YouTube लाइव पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में, रुपए की हालत में। मैं आपको बताने जा रही हूँ इंडियन इकोनॉमी में आज रुपए की क्या दशा हो गई है। मैं रुपया हूँ, वही रुपया जिसके बारे में सारी दुनिया कहती है, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। आजकल मेरा क्या हशर हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। दुकानदार के 99 रुपये बने तो उसको 100 रुपये का नोट दो तो वो चुपके से 100 रुपये गले में डालकर बैठ जाता है। कोई बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति वाला ग्राहक हो तो सीधा सा जवाब दे देता है कि छूटा नहीं है, या फिर एक छोटी सी टॉफ़ी पकड़ा देता है। मुझे आप लोगों से आज अपना अतीत शेयर करना है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो मेरी क्या अहमियत थी, क्या जलवा था, क्या दमखम था। मैं शेर के बजाय किलो में बताने जा रहा हूँ, हालांकि शेर किलो से 50-60 ग्राम कम ही होता है। 1 रुपये की 1 किलो चीनी आ जाती थी, 50 पैसे किलो गुड़ आ जाता था, 75 पैसे किलो लड्डू गुड़ आ जाता था। 1 रुपये में 4 किलो आटा आ जाता था, 1.5 रुपये किलो डालडा घी, सुनहरी तीर घी, पनघट घी, अव्वल नंबर घी, ये सब आ जाते थे। 4 रुपये से 4.5 रुपये किलो तक शुद्ध घी आ जाता था। 1 रुपये का 1.25 किलो शुद्ध भैंस का दूध आ जाता था। 2 रुपये किलो काठे बादाम आ जाते थे, 3 रुपये किलो कागजी बादाम आ जाते थे, 1.5 रुपये से 2 रुपये तक उम्दा किशमिश आ जाती थी। एक आना यानी 10 पैसे में 2 पुड़ियाँ आ जाती थी, जिसके साथ सब्जी, शलगम और गोभी का अचार भी होता था, साथ में थोड़ा सा हलवा भी होता था। 6 पैसे में 1 रोटी आ जाती थी, 10 पैसे में सब्जी अथवा दाल मखनी की प्लेट आ जाती थी। 25 पैसे की टिकट में सबसे आगे बैठकर आराम से फिल्म देख सकते थे, 50 पैसे सेकंड क्लास होती थी, 1 रुपया गैलरी क्लास होती थी और 2 रुपये बॉक्स के होते थे। लगभग 90 रुपये तोला सोना हुआ करता था और वो तोला उन दिन में 12 ग्राम हुआ करता था। इस हिसाब से 8 रुपये का 1 ग्राम सोना आ जाता था, जो कि आजकल 3,000 रुपये में आता है। चांदी 1.5 रुपये से 2 रुपये तोला तक मिल जाती थी। 1 रुपये से लेकर 3 रुपये किलो तक दालें मिल जाती थी। 35 पैसे में लाइफ बॉय साबुन आ जाता था, 40 पैसे में लक साबुन आ जाता था और 75 पैसे में पियर साबुन आ जाता था। 1 रुपये 50 पैसे में चामिस क्रीम का फैमिली पैक आ जाता था। उस वक्त वो अहमियत थी कि 5 रुपये से लेकर 10 रुपये महीने तक अच्छा मकान किराए पर मिल जाता था, जिसमें एक परिवार रह सकता था। 3,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक अच्छा 100 गज का मकान खरीदा जा सकता था। 25 पैसे में बढ़िया लस्सी का गिलास मिल जाता था, जिसके 50 ग्राम दही की मलाई भी हुआ करती थी। इसी तरह ही 25 पैसे का पाव भर दूध मिलता था, जिसके ऊपर मोटी परत वाली मलाई भी हुआ करती थी। 3 रुपये किलो बढ़िया बर्फी मिल जाया करती थी। शहर में एक आधा बिरला ही लखपति हुआ करता था और 1 लाख रुपए में पूरा थैला भर जाता था। लेकिन आज तो हालत चेंज हो गई। 2,000 के 50 नोट पुड़िया बांध के जेब में ही रखे जा सकते हैं, लाख रुपए की कोई अहमियत ही नहीं रही। बल्कि 1 रुपए की अहमियत नहीं तो लाख रुपए की क्या अहमियत होगी। तो ये है मेरी उस समय की अहमियत, मेरा दर्जा, मेरा रुतबा, मेरी ताकत। और अब तो मुझे लग रहा है कि कहीं चवन्नी की तरह मुझे भी जिंदा शहीद न कर दें। YouTube लाइव पर सब्सक्राइब करिए।